हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू विद्यास टेस्टी कुकिंग। बहुत दिनों के बाद एक चटपटी रेसिपी के साथ आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का रेसिपी है सबका मुंह में पानी लाने वाला पानी पूरी। बहुत लोग बोलते हैं जब दुकान में जाके पानी पूरी खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, और हम लोग घर पे बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं दुकान का वही पानी पूरी का टेस्ट घर पे भी बना सकते इसके लिए कई सारा टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप सब लोग ट्राई करके मुझे बताइए कैसे बना था आपके घर में पानी पूरी। इसके साथ और एक बार याद करती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने को मत भूलो। अभी देखते हैं चटपटी पानी पूरी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले मैं हरा धनिया और पुदीना दोनों को अच्छा सा साफ करके धो के लिया। इधर मैं एक बाउल हरा धनिया के लिए पावना बाउल पुदीना ले रही हूँ। पुदीना ज़्यादा होगा तो आपका पानी कड़वा हो जाएगा, ये पहला टिप है। इसके साथ 6 से 7 तीखा वाली हरी मिर्ची, 3 टेबलस्पून जीरा, 3 बड़ा लहसुन साफ करके लिया, लहसुन का इक्वल क्वांटिटी में अदरक। इसको सबको एक मिक्सी का जार लेके एक साथ डाल के चटनी बना के लेने का। इसके साथ अभी दूसरा टिप्स दे रही हूँ, पानी पूरी बनाते हमेशा ब्लैक सॉल्ट का यूज करने का, उससे पानी का स्वाद बढ़ता है। अभी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाला और 1/2 कप पानी डाल के अच्छा सा पीस के चटनी बना के ले लिया। इसको एक बाउल में डाल के इसमें 3 कप पानी डाल के गैस में रख के हल्का सा उबाल के लेने का। अभी तीसरा टिप्स दे रही हूँ, पानी पूरी बनाते ये पानी को आपको 10 घंटा पहले बना के रखने का, तो पानी पूरी का स्वाद बढ़ेगा। उबलने के बाद गैस ऑफ करके 1 घंटा ढक के रखने का। उसके बाद एक बाउल में छलनी से छान के लेने का। अभी ये पानी पूरी का पानी, तीखा वाला पानी रेडी है। इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरा स्टेप है खट्टा मीठा चटनी। इसके लिए मैंने एक चटनी का जार लिया, उसमें 1 बाउल डेट्स सीड निकाल के साफ करके ले रही हूँ। उसके साथ 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर, 3 पीस गुड़ और 1 नींबू का गात्र का इमली, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके चटनी बना के लिया। ये है खट्टा मीठा डेट्स चटनी। अभी तीसरा स्टेप है पूरी का स्टफिंग। इसके लिए मैंने 6 आलू 1 कुकर में लिया। इसके साथ ओवरनाइट सोक्ड हरा और सफ़ेद बटाना, इसमें कौन सा एक भी ले सकते हैं आप, और इसको थोड़ा हेल्दी बनाने का है तो स्प्राउट्स मूंग मटकी भी डाल सकते हैं। इसमें पानी डाल के 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छा सा मिक्स करके दे दो और गैस में रख के 8 सीटी देके अच्छा सा उबाल के लेने का है। कुकर का स्टीम पूरा निकलने के बाद कुकर को खोल के आलू का छिलका निकाल के आलू और मटर को एक साथ स्मैश करके लेने का। मैंने अभी आलू और मटर को एक साथ स्मैश करके एक बाउल में ले लिया। इसमें अभी थोड़ा ब्लैक सॉल्ट और कटा हुआ ऑनियन और कटा हुआ हरा धनिया एक साथ डाल के अच्छा सा मिक्स करके ले लेती हूँ। ये अभी पूरी का स्टफिंग रेडी है। अभी फाइनल स्टेप,
पूरी मैंने पहले तल के लिया था, एक पूरी लेके बीच में से छोटा होल कर रही हूँ। इसमें आलू मटर का स्टफिंग भर के उसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा डेट्स चटनी और ज़रूरत के हिसाब से तीखा पानी। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मैं इसको और थोड़ा टेस्टी बनाना चाहती हूँ। इसके साथ थोड़ा सा कटा हुआ कांदा और थोड़ा सा सेव और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, यह भी पानी पूरी रेडी है। इसके साथ पानी पूरी वाला लास्ट में एक ड्राई पूरी देता है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद रहता है वो। उसके लिए मैंने एक पूरी लिया, उसमें आलू मटर का स्टफिंग भर दिया, उसके साथ कटा हुआ कांदा, थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा और हरा धनिया, इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट। आशा करती हूँ पानी पूरी का ये रेसिपी आप सबको पसंद आया, आप सब लोग ट्राई करके देखेंगे। और एक रेसिपी के साथ आने तक नमस्कार, धन्यवाद।